हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, आज हम लोग फिर से बात करेंगे टीजीटी साइंस प्रैक्टिस नंबर 6। और यहाँ पे देखिए, अगर बात किया जाए तो आज मैं आपके सामने केवल वेव्स तरंग से बहुत ही जोरदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे और आप इसका कमेंट करने की कोशिश करिए, आंसर देने की सही कोशिश करिए, कमेंट करिए। और एक बार जितने दोस्त अगर शेयर नहीं किए हैं, एक बार जरूर शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है, विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं अस्थित आवेश के द्वारा, एक समान रूप से गतिमान आवेश द्वारा, सी में कह रहा है त्वरित आवेश द्वारा, और डी में कह रहा है उदासीन कणों के द्वारा। चलिए जल्दी फटाफट आप कमेंट करिए इसका। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए आपसे, तो जो विद्युत तरंगें होती हैं वो किसके कारण उत्पन्न होती हैं, तो त्वरित आवेश के कारण। और हम अपने लेक्चर में सारी चीज़ों को डिस्कस किए हैं, यहाँ पे हम आपका केवल प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय हैं। कह रहा है ध्वनि तरंगे, बी में कह रहा है उष्मा तरंगे, सी में कह रहा है जल तरंगे, और डी में कह रहा है रस्सी में उत्पन्न तरंगे। देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और आयोग ने माना हुआ है उष्मा तरंगे, यहाँ पे बी। हाँ, उष्मा तरंगे अगर मान सकते हैं तो आप एक चीज पढ़े होंगे, उष्मा का जो आपका चालन होता है, उष्मा का जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है, हीट जो ट्रांसफर होता है, तीन मेथड द्वारा होता है। पहला होता है आपका चालन, दूसरा होता है आपका विकिरण, सॉरी चालन संवहन और विकिरण, आपने ये चीज पढ़ा होगा। तो विकिरण जो होता है, विकिरण में उष्मा का जो चालन होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो उसमें वो विकिरण जो होती है प्रकाश की गति से चलती है। और प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो वहां से वो लॉजिक लगाकर दिया है उष्मा तरंगे। लेकिन अगर बात किया जाए डी, तो डी वाले विकल्प पे आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ होता आपसे, निम्नलिखित में कौन सी अनुप्रस्थ तरंगे हैं, आपसे क्वेश्चन क्या कहता, अनुप्रस्थ तरंगे, तब आपका एक्यूरेट आंसर होता है रस्सी में उत्पन्न तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होती है। लेकिन यहां पे पूछा निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो आपका हो जाएगा उष्मा तरंगे, उत्तर हो जाएगा आपका बी। लेकिन ये भी आप जानिए, जितनी भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो सब विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो हम आपको बता दें, लेकिन यहाँ पे आयोग ने आपका माना हुआ है उत्तर बी, तो हम लोग भी यहाँ पे बात करेंगे उष्मा तरंगे। वहां पर अपना उसने ये अपना तर्क दिया था जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करें निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, कह रहा है गामा किरणें, कह रहा है एक्स किरणें, कह रहा है अवरक्त किरणें, और कह रहा है डी में बीटा किरणें। तो हम आपको बता दें, विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं आपका होता है पहला गामा किरण, एक्स रे, गामा रे, ठीक है आपका यूवी, इसके बाद आते हैं आपका दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट, इसके बाद आता है आपको अवरक्त किरणें, इसके बाद आती है आपकी रेडियो तरंगें। ये जो होती हैं आपकी सब विद्युत चुम्बकीय तरंग की उदाहरण होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिया है बीटा किरणें, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 3 का D, बीटा किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट एकदम बिना लेट किए हुए आज हम आपके कोई भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, और आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए और आंसर का कमेंट करते चलिए। कह रहे वह तरंगे जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, वह तरंगे जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, कह रहे रेडियो तरंगे, कह रहे माइक्रो तरंगे, कह रहा है पराबैंगनी तरंगे, और डी में कह रहा है ध्वनि तरंगे। अब एक चीज आप समझ लो, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती क्या है, वैसी तरंगे जिनको संचरण करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, अर्थात वे तरंगे जो ठोस, द्रव, गैस यानी किसी भी माध्यम में ट्रेवल कर सकती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो यहाँ पे रेडियो तरंगे भी क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, माइक्रो तरंगे भी क्या होती हैं, आपको आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, पराबैंगनी किरणें भी क्या होती है, पराबैंगनी तरंगे भी क्या होती हैं, आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं। लेकिन यहाँ पे ध्वनि जो होती है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती है, यह आंतरिक तरंगे होती है, मैकेनिकल वेव का उदाहरण होती है, तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, ध्वनि तरंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5,
आप खटाखट इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिएगा, कह रहा है विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। आपसे देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है एक्स किरण है, ठीक है, बी में कह रहा है बीटा किरण है, एक्स में कह रहा है एक्स, सी में कह रहा है एक्स किरण है और डी में कह रहा है धन किरण है। तो आप 5 का कमेंट करिए एकदम फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, आपके जो एक्स किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युतीय चुंबकीय विकिरण होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे हैं। आपको हम बता दें एक चीज आप याद रखिएगा, जिस तरंग की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी उतना ही ज्यादा उसका उतना ही कम क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो यहां पे कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे हैं। पहला कह रहा है गामा किरणें और रेडियो तरंगें, फिर बी में कह रहा है गामा किरणों पराबैंगनी किरणें, सी में कह रहा है बैंगनी किरणें और लाल किरणें और डी में कह रहा है एक्स किरणें और रक्त किरणें। तो देखो जब सबसे अगर 6 क्वेश्चन नंबर 6 का आप कमेंट करिएगा तो हम बता दें एक्स किरणें की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ही कम होती है, ये होती है 10^-20 मीटर से 10^18 मीटर के बीच में होती है। आप ये याद रखिएगा, -18 मीटर के बीच में होती है क्या, गामा किरणों की वेवलेंथ। और रेडियो तरंगे की आवृत्ति सबसे कम होती है और रेडियो तरंगों की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है, नहीं सॉरी अवरक्त किरण है, ठीक है अवरक्त किरण है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अवरक्त विकिरण और एक्स किरण है। आप यहाँ पे उत्तर नंबर आपका डी इज राइट हो जाएगा, एक्स किरण और अवरक्त विकिरण विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली है। सबसे कम आवृत्ति किसका हो जाएगा, एक्स किरणों की, और सबसे ज्यादा सबसे कम आवृत्ति किसकी हो जाएगी, अवरक्त किरणों की। सबसे ज्यादा आवृत्ति एक्स किरणों की और सबसे कम आवृत्ति अवरक्त किरणों की। और यहाँ पे समझिए सबसे कम वेवलेंथ एक्स किरणों की और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, अवरक्त किरणों की। आप ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का आप जल्दी से उत्तर दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है। कह रहा है पराबैंगनी किरण है, सुनिएगा फिर से, सबसे कम है। कह रहा है एक्स किरण है, फिर सी में कह रहा है सूक्ष्म तरंगे और डी में कह रहा है बैंगनी किरण है और लाल किरण है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आप करेक्ट उत्तर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर सात में आप चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आपका उत्तर हो जाएगा ए पराबैंगनी किरण है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है असत्य कथन बताइए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, सर राइट, मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में ये चीज बताया था। कह रहा है त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, ये भी सही है। सी में कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं, ये भी सही है। कह रहा है सभी माध्यम में समान चाल से चलती हैं, डी इज इनकरेक्ट, डी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जैसे आप जानते हैं, जैसे हमने बोला कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश की चाल हर एक माध्यम में अलग अलग होती है, उसी तरह विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है वो माध्यम पर डिपेंड करती है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो चाल होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो यहाँ पे कह रहा है असत्य कथन बताइए, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो चाल होता है सभी माध्यमों में समान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, और क्वेश्चन नंबर में कह रहा है वर बटा में साइलेंट म्यू जीरो एफ साइलेंट जीरो बीमाएँ हैं, आपको ये पूछ रहा है। कह रहा है एल टी के पावर -1, एल के पावर -1 टी, एल के पावर -2, फिर टी के पावर 2, फिर डी में कह रहा है एल स्क्वायर टी के पावर -2। इसका कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैं होमवर्क के रूप में देता हूं, और इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा, लेकिन इसका सलूशन आप जरूर एक बार हमको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10, और आप जरूर इसका होमवर्क देने की कोशिश करिएगा। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा और मैं देखूंगा। कर है किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट मीटर है, चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम होगा। कर है
5 टेस्ला, बी में कह रहा 1.5 × 10⁻¹⁹ टेस्ला, सी में कह रहा 1.67 × 10⁻¹⁰ टेस्ला और डी में कह रहा 1.67 × 10⁻¹⁸ टेस्ला। तो आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। और दोस्त आपको एक चीज और बता दें, आज 20% जो ऑनलाइन क्लासेस में है, आज 20% डिस्काउंट का लास्ट डेट है और ख़त्म हो गया, हाँ ख़त्म हो गया। और आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर 8400333260, हम आपको नंबर लिख देते हैं 8400333, ठीक है, 260 पे ज़रूर व्हाट्सअप करिए, ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन लीजिए और आप लेक्चर का आनंद उठाइए। तो दोस्त इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको आपकी ये प्रैक्टिस से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। आप ज़रूर एक बार अपने भाई के लिए कमेंट करेंगे और जो अभी नए दोस्त हैं वो हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो दोस्त आज बस यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।